हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एंड इंस्ट्रूमेंट चैप्टर को जो है हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यदि आप इस चैप्टर को शुरू से और अच्छे से समझना चाहते हो तो शुरुआत से जो वीडियो पहले आ चुका है पहले आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर को आगे जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मेरा नाम राजेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज। तो अब हम लोग जैसा यहाँ पर देख रहे हो कि हेडिंग लगा चुके हैं और तुम भी जो है अपना रूम का दरवाजा खिड़की जो है बंद कर लो, कलम कॉपी निकाल लो और बस केवल मेरे साथ कुछ देर के लिए जुड़े रहो। तो आज हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हेडिंग क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर एक फोर्स रियलाइज होना है और फोर्स का मान क्या होगा, मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी जानना चाहते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से भी जानना चाहते हैं। सुन लो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर हो, कोई वायर हो और उसे करंट का फ्लो हो रहा हो तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स रियलाइज होना है कहीं से। तो फोर्स क्या होगा वो जानना चाहते हैं। तो आइए हम सिचुएशन को आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में, जैसे हम आपको दिखाएं, मान लो कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है कितना, बी, ओके। और एक मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये देख लो, एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ए, मान लिया जाए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए, समझ रहे हो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गाइस, ए है, ओके। और इससे करंट का फ्लो हो रहा है कितना, चलो मान लिया कि लेट अस कंसीडर करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। तो अब लॉ कहता है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर हो, कोई कंडक्टर हो तो इस पर फोर्स रियलाइज होना, ये फोर्स रियलाइज करेगा। ये पहले तो हम इसका वजह समझेंगे, क्या वाकई में फोर्स यहां रियलाइज होना भी चाहिए इस पर, पहले उसको देखेंगे। और यदि हाँ, अगर इस पर फोर्स रियलाइज होना चाहिए तो कितना फोर्स रियलाइज होगा और किस डायरेक्शन में फोर्स रियलाइज होगा उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लेट ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मेकिंग एन एंगल थीटा। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा जो वायर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने के एंगल पे रखा गया है, ये देखो, ये कितने के एंगल पे रखा गया है, ये थीटा के एंगल पे रखा गया है, ये देख लो, ये थीटा के एंगल पे रखे हुए हैं। यार एक बात और है, करंट फ्लो हो रहा है, जरा समझना हम क्या बोल रहे हैं, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, समझ रहे हो ना। यदि इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है इसका क्या मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। अगर करंट का डायरेक्शन इधर को है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, यानी इस वायर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, कहने का सेंस ये है गाइस। अब हम इस वायर पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करने जा रहे हैं, ये देखो, ये वायर पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा गाइस, ए ही होगा क्या, ये देखिए, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही होना चाहिए, ओके, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा। और माना इसका लेंथ कितना है, डीएल, ठीक है, कितना लेंथ है इसका गाइस, डीएल। और इस स्मॉल एलिमेंट पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, इस स्मॉल एलिमेंट में ही क्यों जी, इस पूरे वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे गाइस, ओके। तो उसमें से एक फ्री इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया, स्वाभाविक इस पे चार्ज कितना होगा, माइनस ई होगा, ओके। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन किधर मूवमेंट कर रहा होगा, अगर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो स्वाभाविक है कि ये इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट का डायरेक्शन ए है। और सपोज करो कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है, इस एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन का हमने माना है वेलोसिटी कितनी है गाइस, माना हमने भी है। और जैसा हम दिखा रहे हैं कि इसका लेंथ हमने कितना लिया हुआ, इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ हमने कितना लिया हुआ है, डीएल लिया हुआ है।
मैं आपको बताऊं कि इस पूरे वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और उनमें से जो सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट में सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं। ऐसा हमने माना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है किस वेलोसिटी से बढ़ रहा है, भी एक्चुअली ये भी किसको दिखा रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को दिखा रहा होगा गाइस, क्योंकि हमने बताया पहले भी आपको कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होता है, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, पहले कंडक्टर इसको हम भीड़ी से दिखा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम भी से दिखा रहे हैं, अलग चीज़ है। तो हमें पहले देखना है कि क्या इस पर वाकई में फोर्स लगना चाहिए, पहले तो मेरे को उस कारण को देखना है। याद आ रहा है क्या कि हमने तुमको पहले बताया कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूवमेंट कर रहा है तो उस पर फोर्स लगना है। फिर सुनो हम क्या बोल रहे हैं, हमने तुमको पहले बताया हुआ है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज है, कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है। याद आ रहा है क्या कितना फोर्स लगता था? अगर तुमको याद आ रहा हो तो उस फोर्स को हम लोग FM से दिखाते थे। उस FM को कैसे दिखाते थे? क्यू भी क्रॉस बी से दिखाते थे। याद आ रहा है क्या? और हमने आपको यही बताया कि उस मूविंग चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, को भी के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। तो फिर यहां से आपके पास दो ऑप्शन बनते थे, या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर एंड कमिंग आउट, या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर एंड गोइंग इन। अब उस चीज को भी क्लियर करना था कि उस मूविंग चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता हो, तो हमने आपको स्क्रू रूल भी बताया हमने कि भी को जो है बी की ओर घुमा दो, देख लो भाई स्क्रू हमारा खुल रहा है कि कस रहा है। उसके हिसाब से ये भी क्लियर हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा। ये तो पहले वीडियो में हमने इसको देख लिया हुआ है, अगर आप मिस कर रहे हैं तो आपका जो इस चैप्टर का 01 चैप्टर है जो है उसको आप पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करेंट का फ्लो का मतलब, कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी हमारा चार्ज, ठीक है, इस पे चार्ज क्यू का मान माइनस ही है। ठीक है, हमारा चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो स्वाभाविक है कि इस इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगेगा। उसी प्रकार सिमिलर वे यहां पर इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सब पर फोर्स लग रहा होगा ना। तो सोचो कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कहा जा सकता है क्या कि इस कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इस बात को समझो कि हम क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो समझ लो कि उस पर फोर्स रियलाइज होने हैं। क्यों फोर्स रियलाइज हो जाता है? क्योंकि अगर उससे करंट का फ्लो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मोशन कर रहे हैं, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज अगर मोशन करेगा तो स्वाभाविक उस पर फोर्स लगेंगे। तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स रियलाइज हो रहा है। उस पर फोर्स रियलाइज होने का मतलब है कि पूरे कंडक्टर पर फोर्स रियलाइज हो रहा होगा। तो पहले तो हम आपको ये समझा रहे हैं ना कि क्या वाकई में करंट कैरिंग कंडक्टर यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसमें फोर्स रियलाइज होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए जी। तब अगला टारगेट क्या होगा कि कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब ये मेरे को यहाँ पर आगे जो है इसको देखना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग करें क्या, लेट अस कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल। तो पहले हम ये देखते हैं किस स्मॉल एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले वो देखते हैं। उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन को हमने आपको दिखाया है। यदि अगर हम आपसे ये पूछें कि इस सिंगल इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा होगा, बड़ा स्पष्ट बोलोगे जी कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मूविंग चार्ज पे तो फोर्स के लिए फॉर्मूला यही बना है। तो क्यू, क्यू मतलब चार्ज, उस पर चार्ज कितना है, उस इस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो आप बोलोगे माइनस ही होगा। ठीक है, यानी इस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना लगना है जी, किस डायरेक्शन में लगना है जी, तो भी को बी की ओर घुमा लो, है ना। ये एंगल हमारा थीटा है, जैसा हम कह रहे हैं कि हमारा कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा के कोण पे बना हुआ है, यानी एक तरीके से देखिए तो थीटा जो है भी 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 इस डायरेक्शन में है और बी इस डायरेक्शन में। एक्चुअली हमारा भी और बी के बीच का एंगल है, समझ रहे हो ना, भी और बी के बीच का एंगल है। तो अगर जानना चाहते हो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो तुमको करना क्या चाहिए, स्क्रू नियम से देखोगे तो भी को बी की ओर घुमाना होगा। ये भी को बी को भी को बी की ओर घुमाना होगा, खुलेगा आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड फोर्स। तो चलो उस चीज को दिखाना है तो हमने इस पर लगने वाले फोर्स को हमने ऐसे दिखा दिया कि ये आउटवर्ड फोर्स है। ओके, ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स को हम यहां पर चलो दिखा दिया ऐसे। लेकिन क्या है ना कि हमें तो पूरे कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स को बताना है जी, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम इस स्मॉल एलिमेंट पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है पहले उसको काउंट करेंगे।
ठीक है, और फिर ये पूरा कंडक्टर कई स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ऐसा हम मान सकते हैं। तो जब हम सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट पर अगर हम फोर्स को निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन का यूज करके हम चाहें तो पूरे कंडक्टर पर जो फोर्स रियलाइज हो रहा होगा उसे हम लोग बता सकते हैं गाइस। तो फिर वही बात कि यदि हमें सिंगल सिर्फ इस एक स्मॉल एलिमेंट पर यदि फोर्स को बताना है तो इस पे तो पहले चार्ज को काउंट करना होगा कि इस पे टोटल चार्ज कितने हैं। चार्ज को काउंट तब कर पाओगे जब इस पे टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो देख लिया जाए। तो जरा बताओ कि चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल एलिमेंट क्या होगा। एक बात और तुमको बता दे कि यहां कुछ एजम्पशन के साथ हमारे हैं। क्या एजम्पशन क्या है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और ऐसा मान के चल रहे हैं कि कंडक्टर का लेंथ कितना है उसको भी मेंशन कर दिया जाए। एक कंडक्टर का लेंथ कितना है गाइस, एल है, एल लेंथ का कंडक्टर है। और हम ये भी मान के चल रहे हैं यहां पर एक स्मॉल एन टर्म दिखाने जा रहे हैं। ये स्मॉल टर्म जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम को दिखा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम। हालांकि इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह देते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन कितना है एन, 1 m³ वॉल्यूम पे, यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है। तो जरा बताओ मेरे को आप ये बता दो कि इस स्मॉल एलिमेंट को देखो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ डीएल है, तो इस क्रॉस सेक्शनल इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, शायद एडीएल। फिर समझो हम क्या बोल रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का वॉल्यूम कितना है ए, एरिया है ए और इसका लेंथ है स्मॉल एलिमेंट का डीएल। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, इतना ही होगा। हम जानना चाह रहे हैं कि इस स्मॉल एलिमेंट पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम बहुत सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि जब वॉल्यूम वन था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन थे। देख लो यहां एन किसको दिखा रहा है, यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वॉल्यूम जब हमारा यूनिट था तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, एन थे। तो जब इतने पोर्शन का वॉल्यूम एडीएल है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइज, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहूं क्या कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन दिस स्मॉल एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि ये होना चाहिए एन एन ए डी एल। वो कैसा बोल सकते हैं क्या, एन ए डी एल, ठीक है। ये तो बात हो गया, तो ठीक है भाई कि इस पर इस स्मॉल एलिमेंट में टोटल उतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस टोटल स्मॉल एलिमेंट में चार्ज कितने होंगे। अरे यार वो सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई। तो इतने पोर्शन पे आपके इतने इलेक्ट्रॉन से, तो इतने पोर्शन पे टोटल चार्ज क्या होगा, तो माइनस ई का मल्टीप्लाई कर देना होगा भाई। यानी अगर हम देखें टोटल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे स्मॉल एलिमेंट में टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई, तो इस पूरे स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, तो माइनस ई का इसमें मल्टीप्लाई पड़ जाए, माइनस ई का इस पे मल्टीप्लाई पड़ जाए, माइनस ई का मल्टीप्लाई पड़ा इन पे, ये देखिए ये मल्टीप्लाई पड़ा। चलो थोड़ा सजा के लिख देते हैं, इसको लिख दिया माइनस एन ई ए डी एल, लिख सकते हो ना, थोड़ा सिक पे साके पीछे कर दिया। इस स्मॉल एलिमेंट पर टोटल चार्ज इतने हैं गाइस, ये टोटल चार्ज है, तो इस स्मॉल एलिमेंट पर टोटल कितना फोर्स लगा होगा, क्योंकि हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहे हैं, तो इस स्मॉल एलिमेंट पर टोटल कितने फोर्स लगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। कैसे करोगे जरा देखो, तो कैसे करेंगे, यानी फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट,
अगर क्या बोले, हालांकि सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स को हमने एफएम से दिखा दिया है, ठीक है, तो इस पे जो एक स्मॉल एलिमेंट पे जो फोर्स होगा उसको हम डी एफएम से दिखाने जा रहे हैं, ए डी एफएम से दिखाने जा रहे हैं, ओके। और टोटल पे जो फोर्स होगा उसको कुछ एफएम या कुछ और बोल देंगे, बोलना होगा। तो स्वाभाविक है, छोटा सा हिस्सा है तो फोर्स जो रियलाइज होगा वो भी स्मॉल ही होगा, और उस स्मॉल फोर्स को हम डी एफएम से दिखा रहे हैं। फॉर्मूला तो वही होता है भाई, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, तो क्यू इंटू क्यू क्यू, देखो यही फॉर्मूला होता है ना, मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, क्यू चार्ज, टोटल चार्ज उस स्मॉल एलिमेंट पे कितना है, तो माइनस एन ई ए टी एल वी क्रॉस बी, ये बना हुआ है। क्यों गाइस सही लिख रहे हैं क्या, क्यू क्यू मतलब क्या, इस स्मॉल एलिमेंट पे टोटल चार्ज अभी निकला हुआ है, क्यू के जगह पर रखा आपने, और ये वी क्रॉस बी बना हुआ है, सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट पर फोर्स निकला है गाइस। हम मान सकते हैं कि हमारा पूरा कंडक्टर जो है कई स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो जब हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर हम इस पर फोर्स बता दिया चाहते तो हर एक स्मॉल एलिमेंट के लिए हम इसी प्रकार से फोर्स निकालते चले जाते और सबको जोड़ देते, सबको इंटीग्रेट कर देते, तो इस पूरे टोटल कंडक्टर पे जो फोर्स रियलाइज हो रहा होगा उसकी जानकारी हो जाता क्या, हो जाता। लेकिन जोड़ने का काम हम किससे करते हैं, इंटीग्रेशन की मदद से करते हैं गाइस। इसलिए अब हम क्या बोल रहे हैं जरा उसको समझो, जरा यहां पर ध्यान देना, केयर करेंगे, इंटीग्रेशन तो करेंगे, जोड़ करेंगे, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सोचो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस स्मॉल एलिमेंट के एक एंड से जब दूसरे एंड को गया होगा तो कितना डिस्प्लेस हुआ डीएल, सोचो हम क्या बोल रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस स्मॉल एलिमेंट के एक एंड से जब दूसरे एंड को गया तो कितना डिस्प्लेस हुआ डीएल, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डीएल बाय टाइम। और ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में उसको समय कितना लगा है, dt, अरे यार वही कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम ही तो कर रहे हैं जी, लेकिन हाँ अलग से माइनस में लगाने जा रहे हैं। अब बोलोगे माइनस किस लिए, प्रश्न हो सकता है माइनस किस लिए, माइनस साइन सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और dl, dl जरा ध्यान रहे अगर करंट का डायरेक्शन इधर को है तो इस स्मॉल एलिमेंट यानी डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा, क्या अगर हम दिखाएं डायग्राम में, सोचो हम क्या बोल रहे हैं, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है जी तो इस स्मॉल एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही तो होगा, अगर करंट ऐसे फ्लो होता तो डीएल का दिशा इधर हो जाता, तो सोचो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वी और डीएल जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, देखो डीएल उधर वी इधर, स्वाभाविक है दोनों के बीच का एंगल 180 है। माइनस साइन सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता हुआ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो डीएल है एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। तो जरा इसको कंटिन्यू थोड़ा सा करते हैं जी, ये जरा दिखते चलना, ये आ रहा है, ये तो बढ़िया बात है, ये माइनस एन ई ए डीएल, ये भी की जगह पर लिख सकते हैं क्या, डीएल बाई डीटी माइनस डीएल बाई डीटी क्रॉस बी, ये बना हुआ है, समझ लो। अब तक हमने करा क्या, हम इस भी के जगह पर क्या लिख दिए, ए माइनस डीएल बाई डीटी लिख लिया, ए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और इस डीएल को ही छोड़ दो, इस डीटी को केवल बाहर निकालो, इस डीटी को केवल बाहर निकालो, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं क्या गाइस, जरा सोचो, ये तो पॉजिटिव हो गया, एन ई ए डी एल डी टी को उधर बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ डी एल क्रॉस बी दिख रहा है नीचे का हिस्सा, फिर समझो ए नेगेटिव नेगेटिव तुम्हारे पॉजिटिव हो गए, ओके, इस डी टी को हम बाहर निकाल दिया, तो क्या फिर से ये डी एल बाई डी टी ये भी हो जाएगा, क्या भी होगा, केवल भी, अब सोचो क्या हम इस dl by dt के जगह पर सिर्फ भी लिख सकते हैं क्या, पहला नंबर देखो ये वेक्टर फॉर्म में है
अब माइनस का यहाँ पर कोई रोल नहीं रह जाता है। अब तुमको लगता होगा कि नहीं माइनस भी होना चाहिए, तो गड़बड़ सोच रहे हो, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में था। ये हमारा सिर्फ देखो यहाँ पर एरो नहीं है, इसका मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का कोई रोल है ही नहीं जी। इसलिए सिर्फ भी दिखाएंगे, एरो भी नहीं दिखाएंगे, और जब हम स्केलर फॉर्म में दिखाना तो माइनस का कोई मीनिंग मतलब रह ही नहीं जाता है, समझ रहे हो। तो यानी इसके जगह पर लिख दूँ क्या भी, ठीक है लिख रहे हो, इसको देख लो बोर्ड का निचला हिस्सा दिख रहा है। चलिए आप इसको लिख लें तो फिर आगे इसको हम कंटिन्यू करें। आगे चलो ठीक, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, अब इस डीएल बाई डीटी की जगह पर भी लिखने जा रहे हैं। ओके इधर से ऊपर से मिटा देना है, मिटा दो, मिटा दीजिए। एडीएफएम व्हाट व्हाट एन ई ए, ओहो इसी के जगह क्या लिखने जा रहे हैं भी। अब तुम समझ रहे हो ना, केवल भी लिख रहे हैं एरो नहीं, क्योंकि ये हमारा स्केलर फॉर्म में है, एरो यहाँ नहीं दिख रहा है, सिर्फ भी लिखेंगे, माइनस साइन यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये हो गया तुम्हारा क्या, डेल क्रॉस बी। ओके बढ़िया यार, याद आ रहा है क्या कि हम लोग जब करंट, जब पहले चैप्टर में हम लोग जब बात करते थे तो एक था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, क्या आता था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद करो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फर्क क्या है, आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भेड़ी से ना दिखाकर सिर्फ भी से दिखा दिए हैं, मन होता तो भेड़ी से भी दिखा देते जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, संकेतों में क्या रखा है, सिंबल में क्या रखा है। देखो ना एन ई ए वी लिख दूं इनकी जगह पर, आए क्या लिख दूं, चलो लिख रिया जी, ए लीजिए, ये लिख दिया इनके जगह पर, आई लिख दिया, ओके, और ये बना हुआ है डेल क्रॉस। अभी तक हम सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट पर कितना फोर्स लग रहा है उसको देख रहे हैं, हमें चाहिए पूरे कंडक्टर पर फोर्स, और हम कह रहे हैं कि पूरा कंडक्टर कई स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, ऐसा मान सकते हैं। जिस प्रकार से हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए उस पर फोर्स को काउंट कर लिया, हम चाहते तो हर एक एलिमेंट के लिए फोर्स को अलग अलग निकाल देते, सबको जोड़ देते, सबको इंटीग्रेट कर देते, तो इस टोटल करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स कितना लग रहा होगा वो निकल जाता है, लेकिन जोड़ने का काम इंटीग्रेशन की मदद से करने जा रहे हैं। इसलिए टोटल फोर्स ऑन होल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं क्या कि दोनों तरफ इंडिकेशन ले लो जी, ठीक है दोनों तरफ इंडिकेशन, ये देखिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं, ये देखिए ये इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं, ओके ये दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन लिया। इसका एफएम मीन्स टोटल फोर्स रियलाइज्ड ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो ना आई कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, क्योंकि हमने जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ इस वायर को, मेरा कांस्टेंट है यूनिफॉर्म, ऐसा मान के चल रहे हैं कि दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाई मेकिंग नाइन एंगल थीटा, समझ रहे हो, एक कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल कौन है जी, सिर्फ एल है, तो सिर्फ इतने का इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, एल हो जाएगा, ओके समझ रहे हैं मैं यार ये बात, तो क्या हो गया ए, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन होना है, तो ए हो गया एल, ए हो गया एल, समझ जाए आई कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा बी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेरिएबल सिर्फ एल है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ इसका ही होना चाहिए, और इस प्रकार से नेट फॉर्मूला हमारा आ चुका है, अब क्लियर हो चुका है इस पूरे टोटल कंडक्टर पे फोर्स इतना लगना है। हाँ अगर थोड़ा सा ये वेक्टर फॉर्म है ना,
अगर स्केलर फॉर्म में दिखाना होता तो गाइस कैसे दिखाते इसी चीज को, स्केलर फॉर्म में दिखाना होता तो एरो हटा देते और एल क्रॉस बी को तोड़ते तो क्या आता, एल बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना, आई ये तो रह गया, इस एल क्रॉस बी को तोड़ते तो क्या आता, एल बी साइन थीटा, जहां थीटा एल और बी के बीच का एंगल, जहां थीटा जो है एल और बी के बीच का एंगल, एल 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 ये देखो ये डीएल है ना, तो डीएल का डायरेक्शन ए है तो एल का भी डायरेक्शन ए हो जाएगा, तो एल जरा समझोगे ये एल एल और ए है हमारा बी और यही एल और बी के बीच का एंगल थीटा वहां दिखा रहा है। क्लियर, अगर इस पर जो फोर्स लग रहा है, अगर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड जानना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें भी कई स्पेशल केस हो सकता है, जब थीटा का मान जीरो हो, 90 हो, 180 हो तो कितना फोर्स लगेगा, यहाँ से तमाम चाहे तो केस आप बना सकते हैं। समझ में आ रही बात, तो अगर मान लो यहाँ पर जैसे थीटा का मान जीरो होता, मतलब क्या कहने का मतलब क्या, ये जो वायर है कंडक्टर ऐसे रखा गया होता, एल भी इधर बी भी इधर, तो थीटा जीरो हो जाता तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। या अगर मान लो ये हमारा कंडक्टर एंटी पैरेलल रखा गया होता, जैसे ये है ये कंडक्टर ऐसा ना ऐसे होता तो एल इधर बी इधर, तो थीटा हो जाता 180 और साइन 180 भी कितना हो जाता, जीरो हो जाता। या इसका मतलब है कि यदि करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मतलब है कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट फ्लो हो रहा हो, तब तो उस केस में कोई मैग्नेटिक फोर्स जो है उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर रियलाइज नहीं होगा। हाँ, अगर इस पे जब थीटा का ये जब थीटा 90 होता है, यानी हमारा कंडक्टर ऐसा रखा गया होता, बी इधर करंट का फ्लो ऐसे होता, तो साइन 91 हो जाता तो मैक्सिमम फोर्स लगने लग जाते उसके। तो ये सारा सिचुएशन पहले से हमने देखा हुआ है, तो यहाँ से तमाम जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से बनाए जा सकते हैं। लेकिन ठीक है जी, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर टोटल जो है इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन के एक बार फिर से बात करनी है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो गाइज डायरेक्शन आप दो तरीके से दे सकते हैं, चाहे तो एक स्क्रू नियम से, हालांकि ज़्यादा परफेक्ट जो है स्क्रू लॉ जो है नहीं माना जाता है, स्क्रू लॉ से देना होगा तो कैसे करना होगा, ये तो हम भी समझ रहे हैं कि जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, को एल के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। देखो तो क्या करें, ये एल का भी परपेंडिकुलर हो, बी के भी परपेंडिकुलर हो, तो जो इस पर फोर्स लगेगा ना वो एल के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। यही हमारा एफएम का डायरेक्शन, यही हमारा एफएम एल के भी परपेंडिकुलर हो गया, बी के भी परपेंडिकुलर हो गया। या फिर एफएम अगर अंदर की ओर होता तो भी जो है एल के परपेंडिकुलर हो जाता, बी के परपेंडिकुलर हो जाता। मतलब यहां से तो समझ में आ रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा या तो आउटवर्ड होगा चाहे तो इनवर्ड होगा। अब उस चीज को भी क्लियर करना चाहते हो तो एक स्क्रू रूल, एल को बी की ओर घुमाओ, खुल रहा है कि कस रहा है उसके हिसाब से देख लेते हैं। एल को बी की ओर घुमा रहे हैं, कस रहा है तो डायरेक्शन अंदर की ओर, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। हालांकि परफेक्ट जो है स्क्रू रूल नहीं माने जाते हैं, तो इसके लिए एक्चुअल जो लॉ है ना वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है गाइस। फिर सुन हम क्या बोल रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्लियर करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है। उससे कैसे हम लोग डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं जरा उसको समझ लो। ये बाएं हाथ को लो, और ये बाया हाथ है ना, देख लो। और बाएं हाथ के तीनों उंगली को एक दूसरे का परपेंडिकुलर करना है गाइस। इसको बोलते हैं फोर फिंगर, FORE फोर फिंगर, ओके। इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं थंब, और तीनों को जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लो। और इसको रखना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, किसको, फोर फिंगर को किधर रखना है, समझो ये फोर फिंगर को किधर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये मिडिल फिंगर को किधर रखना है, करंट की तरफ। तो कह रहा है कि थंब जिधर इशारा करेगा समझ जाना कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वही होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को रखना है करंट की तरफ, तो कह रहा थंब जिधर इशारा करेगा अंगूठा, समझ जाना कुछ मैग्नेटिक फोर्स जो है उसे डायरेक्शन में लग रहा है। चलो यहां देखते हैं जी क्या होता है, अप्लाई करके देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर काम कर रहा है, इधर, ये रहा, इसको परपेंडिकुलर रखना है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर,
इसको रखना करंट का डायरेक्शन में, तो करंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, करंट किधर है, ऊपर की ओर, करंट कड़ा से ऊपर की ओर। अब इसको ऐसे मत करने लगना है, करंट तो थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा है तो कहोगे टेढ़ा करने लगा, नो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जरा सोच लो ये करंट किधर जा रहा है, ऊपर, इसको ऐसे थीटा मत बनाने लगना है ऐसे करके, करंट कह रहा ऊपर, तो देखो तो अंगूठा किधर इशारा कर रहा है, अंदर की ओर, किधर इशारा कर रहा है, अंदर की ओर, यानी क्लियर है कि इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना लगना है, अंदर की ओर। अगर तुम स्क्रू रूल से भी देख रहे हो तो क्या हो रहा है, स्क्रू रूल में क्या हो रहा है, एल को बी की ओर घुमाना है, एल को जब बी की ओर घुमाओगे तो स्क्रू तो कस रहा है जी, तो फोर्स किधर, अंदर की ओर ही तो इशारा कर रहा है, समझ लो। तो एग्जैक्ट रूल करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स के डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही है गाइस। ये बात अलग है कि कभी कभी क्वेश्चन बनाने लगते हैं, जल्दी होता है तो हम लोग जो स्क्रू रूल से भी कभी कभी देखते हुए निकल जाते हैं, ओके समझ रहे हो। चलिए तो आज करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स हो गया, एक टॉपिक और लेना है, मिटा दूसरे मिटाया जाए। अब करना क्या है कि दो इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होंगे, इनफाइनाइट लेंथ वाले दो कंडक्टर होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, दोनों में करंट फ्लो हो रहा होगा, अलग अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सोचो। तो दोनों एक दूसरे के कितने न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, कुछ ऐसा जानना चाहते हैं, यानी फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, टू लॉन्ग या इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल, पैरेलल क्या लिख रहे हैं, पैरेलल करंट कैरिंग, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट ट्रिपल आर तो आज तक नहीं देखे, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं गाइस, जरा समझा जाए हम क्या कहना चाह रहे हैं, केयर करो। मान लो हमारे पास दो कंडक्टर है, जरा सोचो ये हमारे पास ये दो कंडक्टर, ये दो कंडक्टर, अरे ये दो कंडक्टर लॉन्ग है इनफाइनाइट लेंथ के, चलो इस कंडक्टर का चाहे तो नाम दे देना वन टू ऐसा कह सकते हो, या ए बी कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, चलो एक कंडक्टर ए है कंडक्टर बी है, और सपोज करो कि पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल भी है, और सपोज करो कि एक में करंट का फ्लो हो रहा है आई वन और दूसरे में करंट का फ्लो हो रहा है आई टू, और चलो दोनों में ये भी हमने माना कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि एक में करंट इधर जाए एक में इधर जाए, ऐसा हो सकता है ठीक ना। तो लेट अस कंसीडर ए टू पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें एक में करंट का फ्लो आई वन और दूसरे में करंट का फ्लो आई टू इज केप्ट एट ए डिस्टेंस आर, ऐसा मान के चल रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर है। अब फिजिक्स कहता है कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर हो और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा हो तो कहता है कि फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और उतनी ही न्यूटन से सेकंड कंडक्टर भी फर्स्ट कंडक्टर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता, मान लो एक करंट इधर फ्लो होता एक में करंट ऐसे फ्लो होता, तब कहता है इन दोनों कंडक्टर के बीच रिपल्सिव फोर्स लगने लगता, मतलब ये फर्स्ट कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को जितने न्यूटन के फोर्स रिपेल करता ये दूसरा कंडक्टर भी इस पर रिपल्सिव फोर्स देता उतने ही न्यूटन से लेता। सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन आ रहा है, जरा समझ लो, दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो और पैरेलल हो, पैरेलल पैरेलल होने ही चाहिए, तब नियम कहता है कि दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये भी जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये भी जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता। और इंटरेस्टिंग तो बात ये भी है ना कि पहला कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को जितने न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता ये दूसरा कंडक्टर भी फर्स्ट कंडक्टर को उतनी ही न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है। हाँ अगर इसमें करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता, मतलब एक में करंट इधर एक में इधर ऐसा होता तो अब रिपल्सिव फोर्स लग दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है और उतनी ही न्यूटन के फोर्स से रिपेल करते थे। तो यहां पर मेरे को ये दिखाना है
कि क्या दो कंडक्टर पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, तो क्या यहाँ पर केस बनता है कि दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? पहले तो मेरे को ये भी देखना है, और केस बनता है तो फिर कितना न्यूटन्स के फोर्स से अट्रैक्ट करें वो भी थोड़ा सा देखना है। तो हम यहाँ पर दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम रख दिया है, जैसा हम फिर बता रहे हैं कि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो है आपके अपोजिट हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। लग रहा है कि इस कीड़े का मेरे द्वारा जो है निर्मम हत्या होनी है, ऐसा लग रहा है। ओके, बढ़िया बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम सोचो, अब जरा ध्यान देना हम जो बोलने जा रहे हैं। अभी मान के चलो कि ये सेकंड कंडक्टर यहां नहीं है, ओके, ऐसा मान लो कि अभी सेकंड कंडक्टर यहां पर है ही नहीं जी, ठीक। तो अगर नहीं है तो मेरे को ये बताओ, सिर्फ यही कंडक्टर है तो यहां इनके कारण यहां पर ये देखो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो इनके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना काम करेगा? अभी मान के चलो सेकंड कंडक्टर नहीं है यहां पर जी, तो भाई तो इनके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना काम करेगा? अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर बी वन कह देते, फर्स्ट कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बी वन कह रहे हैं, कितना होगा? पहले हमने पढ़ा हुआ है क्या, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, याद करो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे देते थे, याद करो। तो बोला जाए कि बी वन का मान कितना होना चाहिए, म्यू नॉट आई वन, याद आ रहा है, याद आ रहा है, कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर हो, करंट का फ्लो आई हो, आर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट हो, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तुम कैसे देते थे? तो बोलते थे म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, आई 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 की जगह पर यहाँ क्या होगा, आई वन टू पाई, यहाँ स्मॉल ए ए ए कैपिटल आर था, अरे यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर ही तो लिखोगे, क्लियर है? अब उसी प्रकार से बताओ, अभी ध्यान रखना ऐसा मान के चल रहा है यहाँ पर कोई कंडक्टर है नहीं जी, तो इनके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है उसको बी वन कह दिया, फर्स्ट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है? चलो ठीक है, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर काम कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा? क्या करना होगा, राइट हैंड थंब रूल, याद आ रहा है ना कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। देखना ये पूरे चैप्टर में डायरेक्शन का ही खेल है, कहीं घूम ना जाना डायरेक्शन के चक्कर में तुम भी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है, राइट हैंड थंब रूल से। करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स जो निकालना है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से निकालना होता है, कंफ्यूज मत होना, पूरे जो है डायरेक्शन का खेल चल रहा है जी यहां पर। तो भाई इनके कारण यहां पर, तो इसको रखना है करंट के डायरेक्शन में, इसको रखना है पॉइंट की तरफ, कहता है मोड़ो, क्लियर अंदर, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर काम कर रहा है गाइस, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर काम कर रहा है, अंदर की ओर क्रॉस, अंदर की ओर, बढ़िया बात, यानी अंदर की ओर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 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 अंदर की ओर, मतलब कि यहां पर जितने भी हर पॉइंट है, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही टेस्ला और अंदर की ओर, यानी कहीं ना कहीं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है क्या? ऐसा लग रहा है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है ना, बिल्कुल। चलो अब सेकंड कंडक्टर बी को उठा के यहां पर ले आया, अब ले आया, करंट फ्लो हो रहा है यूं ऊपर की ओर। अब तो वही बात हो गया ना, क्या कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाए। अभी तुरंत बात हुई कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स लगने हैं। अब तो वही बात हो रहा है ना कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा था जी, और उसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, तो स्वाभाविक है इस पर फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, पहले कितना फोर्स लगेगा पहले उसको चेक कर लेते हैं जी। अभी तुरंत हमने बताया आपको कि किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो इस पर फोर्स कितने एंगल पर रखा हो, थीटा एंगल पर रखा हो, तो फोर्स कितना लगता है इस पर,
अभी तुरंत बात हुआ है कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर हो जिस पर फोर्स कितना लगता है, तो आपने बोला ILB sin थीटा, हाँ, या फिर वेक्टर फॉर्म में भी दिखा रहे थे IL cross B, वैसे भी दिखा सकते हो, जहां थीटा L और B के बीच का एंगल, L देखो करंट इधर फ्लो रहा है तो L और B के बीच का एंगल, L और B के बीच का एंगल, तो भाई इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कह देते हैं, अगर मान लो कह देते हैं कुछ नाम दे देते हैं क्या इस पर, अब तो डायरेक्शन पर बाद में बात करेंगे लेकिन अभी डायरेक्ट फोर्स इधर ही लगने वाला है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो अभी डायरेक्शन जिक्र हम लोग करेंगे, घबराना की घबराने की जरूरत नहीं है, तो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रियलाइज्ड ऑन द कंडक्टर बी ड्यू टू द कंडक्टर ए, उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं एफ बी ए, कितना फोर्स लगेगा, कहता आई, आई मतलब क्या, जिस पर फोर्स निकालना है उससे होकर करंट आई, ये कौन सा आई है, समझो ये कौन सा आई है, तो जिस पर फोर्स निकालना है ना उससे करंट का फ्लो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है आई टू, आई टू, अब कंफ्यूजन ना हो कि यहां आई वन लिखू को आई टू लिखू, समझो हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि किस आई की बात कर रहे हैं, अरे भाई जिस पर फोर्स निकालना है ना उससे होकर करंट का फ्लो कितना हो रहा है आई, एल, एल चलो जी मान लेते हैं इसका एल लेंथ दोनों का एल है ऐसा मान लिया, चलो एल, बी, बी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कंडक्टर रखा है जिस पर फोर्स निकालनी है, वो कंडक्टर किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो बी वन मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यहां क्या लिख दिया बी वन साइन, एक स्टेप को समझते हुए चलना बढ़िया से, थीटा एल और बी के बीच का एंगल, सोचो एल और बी के बीच का एंगल, अब यहां हम क्या सोच रहे हैं, देखो डायरेक्शन का खेल अच्छे से समझना है, एल किधर काम कर रहा है, करंट इधर फ्लो रहा है ना, तो एल इधर हो गया, एल इधर हो गया, एल इधर, और बी किधर है अंदर, सोचो एल इधर है, एल इधर है, करंट अगर ऐसे फ्लो होता तो एल हमारा इधर हो जाता, करंट ऐसे फ्लो रहा था एल इधर है, एल ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर काम कर रहा है, बी अंदर की ओर, तो एल और बी के बीच का एंगल कितना दिख रहा है 90, लिख दू, चलो 90, ये समझने का चीज था जी, ये समझ गए तो काम हमारा हो गया, एक बार फिर से जरूरत पड़ेगा है ना, लेकिन मिटाते हैं, जरूरत पड़ेगा फिर लिखेंगे साइन 91, यानी कितना हो गया ये आई टू एल बी वन, तो क्या हो जाएगा, ऐसा करो ना बी वन का मान रखो, तो ये आई टू, ओहो अगर मान लो ऐसा कहें कि फोर्स यूनिट, फोर्स इन पर यूनिट लेंथ, इस एल को इधर ले आते हैं, एल को इधर नीचे लटका दिया आई टू बी वन, इसका मतलब जी अगर इसकी बात कर रहे हैं तो टोटल, इस पूरे टोटल कंडक्टर पर फोर्स आ रहा है, एल नीचे आ गया, इसका मतलब है कि इसके पर यूनिट लेंथ पर फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये पोर्शन क्या कर रहा है, ये पोर्शन कह रहा है टोटल, इस टोटल कंडक्टर पर फोर्स की बात कर रहे हैं, और ये क्या बोल रहा है कि फोर्स इन पर यूनिट लेंथ, मतलब ये कंडक्टर जो बी है इसके पर यूनिट लेंथ पर, यानी एक मीटर लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है उसको दिखा रहा है गाइस। अक्सर जब न्यूमेरिकल्स बनाने लगोगे तो अक्सर जो है पर यूनिट लेंथ पे ही फोर्स पूछते हैं या कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको, तो इसलिए हमने उसको एल को डेनोमीटर में ले दिया, अगर पूरा फोर्स निकालना है तो एल को ही छोड़ देना, अगर इसके पर यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना है तो एल को हम डेनोमीटर में लेगा, ओके समझ रहे हो ना, आई टू बी वन, बी वन, बी वन, बी वन, बी वन, बी वन, ये देखो मान रख रहे हैं मे नॉट आई वन टू पाई आर, थोड़ा सेट करके लिख दूंगा इस, तो क्या हो गया ये देखो, ये हो रहा है क्या मे नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, बन गया फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बन ही गया जी, लेकिन ठीक है ये इस पर फोर्स लगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर था मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो इस पर फोर्स लगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन निकलता किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके अच्छे से समझना है, क्या बोल रहे हैं कि करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस पर फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो कौन सा रूल चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
बाएं हाथ के फिगर, फोर फिंगर तर्जनी शुद्ध हिंदी, मिडिल फिंगर मध्यमा, थंब अंगूठा, ये तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को तीनों को लंबवत रखना है, और इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको रखना है करंट के डायरेक्शन में। तो कहता है अंगूठा जिधर इशारा करेगा समझना फोर्स उधर ही लग रहा है। ओके दिख रहा है, दिख रहा है, देखो ऐसे लगना है ठीक। चलो आ जाओ, हाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर काम कर रहा है, अंदर, तो इसको अंदर कर दिया। करंट के डायरेक्शन मिडिल फिंगर को, तो करंट किधर जा रहा है इसमें, इधर। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, करंट के डायरेक्शन, अंगूठा किधर इशारा कर रहा है, लेफ्ट की ओर। यानी क्लियर है ना कि इस पे फोर्स किधर लग, किधर फोर्स लग रहा है, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर। ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, इनके कारण ना। अगर ये ना होता तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता क्या, इस पर फोर्स लगते क्या। तो इसका मतलब हम ये समझे क्या कि सेकंड कंडक्टर पे फोर्स लेफ्ट की ओर लग रहा है। इसका मतलब हम समझे ये क्या कि ये भाई साहब जो है इनको अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। समझ में आ रही बात ना, बिल्कुल ठीक। अब उसी प्रकार से, उसी प्रकार से जरा ध्यान देना, इसको नोट कर ले थोड़ा सा। क्या तुमको एक चीज मेरे को बाद में चेक करानी है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इस पे फोर्स इसका मान कितना आ रहा है। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आ रहा था पर यूनिट लेंथ पे, चलो निकला एक अलग चीज है, इसका मान आ रहा था कितना, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। चलो अब इसके कारण ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है इसको इतना न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अब उसी प्रकार से हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये भाई साहब इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, कितना लगा रहा है, ठीक है। तो सेम स्टेप, सेम स्टेप अपनाने जा रहे हैं। इस सेम स्टेप क्या है कि अभी मान के चलो कि कंडक्टर नहीं है, सिर्फ यही भरा है, सिर्फ ये है, ये नहीं है। तो यहां पर बताओ, यहां पर, यहां पर, यहां पर इनके कारण आर्क डिस्टेंस पे पॉइंट है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। अरे करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड बाय ऑफ व्हाट लॉ। तो एक करंट जो है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बी टू सेकेंड कंडक्टर के कारण, या इसको वन टू ए बी कुछ भी बोल दो भाई, अगर मान लो फर्स्ट कंडक्टर है या सेकंड कंडक्टर है, या कंडक्टर ये है कंडक्टर बी है, जैसे बोलना है बोलो। तो इनके कारण, सेकंड कंडक्टर कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने क्या कह दिया बी टू। क्या होगा बी टू का मान, तो कहता क्या है बी टू का मान क्या होगा, कहता है म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर। होगा कि नहीं, किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, जरा बता दो। तो क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल गाइस, करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, करंट इसमें ऐसे, इसको पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, स्पष्ट आउटवर्ड, इस पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड इधर, इधर। तो स्वाभाविक है कि यहां पर जितने भी पॉइंट होंगे सब पर मैग्नेटिक फील्ड इतने ही टेस्ला का और आउटवर्ड, यानी क्लियर है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन बन रहा है। अब चलो इस सेकंड कंडक्टर उठा के हम ले आए यहीं पर, इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो क्या हो रहा है। अब जो है सेकंड कंडक्टर, अब जो है फर्स्ट कंडक्टर उठा के यहां पर ला रहे हैं, जिसका मतलब सिचुएशन तो वही है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया है, स्वाभाविक इस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। अगर हम उस फोर्स को, अगर हम उस फोर्स को डायरेक्शन चेक कराएंगे, उस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स, ये देखो उसको क्या कहें, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना होगा। अगर उसको जानना चाह रहे हैं गाइस तो कैसे करें, यहां पर जरा देखना, तो कितना होगा फोर्स। अब एक बार फिर से देखना, हम फिर वही सिचुएशन आ रहे हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो, है ना, करंट फ्लो हो रहा है आई थीटा के एंगल पर रखा हो, तो इस पर फोर्स कितना लगता है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, तो आपने बोला आई एल बी साइन थीटा, यही आपने बोला। चलो भाई इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स का आपने नाम दिया फोर्स ए बी। क्या होगा आई
आई मतलब क्या, अरे जिस पर फोर्स निकालना है ना उससे करंट का फ्लो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है जी, आई वन एल, चलो इसका भी लेंथ एल है जी। बी, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बी टू साइन थीटा, एल और बी के बीच का एंगल, एल किधर, इधर, बी किधर, आउटवर्ड, फिर समझो, एल किधर, ऊपर, बी किधर, आउटवर्ड, एल और बी के बीच का एंगल 90 होना चाहिए कि नहीं, साइन 90 वन कितना हो जाएगा, आई टू एल बी टू, एल को अगर नीचे लटका दूं तो क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है, किस पूरे होल कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, ये क्या बोल रहा है, किसके यूनिट मीटर पे, एक मीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स की हम बात कर रहे हैं गाइस। जैसा बोल रहा है कि जनरली जो क्वेश्चन बनाओगे पर यूनिट लेंथ पे फोर्स ज्यादा वो पूछते रहते हैं, इसलिए एल को हम यहाँ पर नीचे ले आए, एल नीचे आ गया तो यहाँ बचा क्या, आई टू बी टू, ओहो आई टू बी टू माना गया म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको थोड़ा सेट करके लिख दूं तो फोर्स ए बी इन पर यूनिट लेंथ ये आ रहा है म्यू नॉट, ओहो हो 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 कहाँ गड़बड़ कहाँ गड़बड़ कहाँ गड़बड़, ए आई वन आई वन आई वन आई वन, ए आई वन एल गया नीचे, ए आई वन, ए आई वन देख लेना म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, देखो ना, अरे वाह, यानी सेम आ रहा है, सेम देखो सेम सेम, ए इसको जितना न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ए भी उतनी ही न्यूटन के फोर्स से, अभी कहाँ क्लियर हुआ यार कि अट्रैक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन देख लेते, क्लियर है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इतना न्यूटन का, किस डायरेक्शन में आ जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बाई हाथ को ऐसे कर लें, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, इसको करंट के डायरेक्शन में कर लें। अब कहोगे आप ऐसे करवा रहे हो जैसे योगा होता हो, योगा की तरह, कुछ योगा की तरह ही क्या, इसको मैग्नेटिक फील्ड किधर, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है आउटवर्ड, देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर काम कर रहा है आउटवर्ड, मिडिल फिंगर को किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में, करंट इधर, तो एक किधर इशारा कर रहा है, समझ में आ रही बात, देख लो तस्वीर, देखो तस्वीर, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट इधर, थंब किस, थंब जो है किधर इशारा कर रहा है, राइट की ओर, यानी क्लियर है कि इस पर जो फोर्स लगेगा फर्स्ट कंडक्टर पे और लगेगा राइट की ओर, एक्चुअली फोर्स किसके कारण लग रहा है, इनके कारण, तो हम ये कहें क्या कि ये भाई साहब जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर, बड़ा स्पष्ट है जी, देखो ये भी ये फर्स्ट कंडक्टर पे लग, इस पे जो है लगने वाला फोर्स इतना था, इस पे लगने वाला फोर्स इतना, देखो वैल्यू मिला और सेम आ रहे हैं, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट देखो दो पैरेलल कंडक्टर हो, अगर करंट सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो तय मानो कि दोनों वायर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और फर्स्ट वायर सेकंड वायर को जितने न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सेकंड वायर भी फर्स्ट वायर को उतने ही न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। हाँ अब सिंपल, अगर हम सिंपल अगर हम कहें कि अब ABCD हटाओ और सिंपल बोलो कि F/L क्या होगा, यानी किसी वायर के पर यूनिट लेंथ पर फोर्स निकालना होगा, तो बोलना म्यू नॉट आई वन आई टू, इसी को तुम पकड़कर चलो, क्वेश्चन तो इसी से बनाएंगे। या अगर मान लो तुमको पूरे लेंथ पर अगर कभी फोर्स चाहिए, अगर ऐसा पड़ा तो एल को उधर कर देना, पूरे लेंथ पर निकल जाएगा, यानी म्यू नॉट आई वन इंटू एल चला गया, क्रॉस कर दिया अपन टू पाई आर, अगर पूरे लेंथ पे फोर्स निकालना तो इसको पकड़ लेना, अगर पर यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना तो इसको पकड़ लेना। अगर उसी प्रकार से अगर ये दोनों पैरेलल होते, करंट अपोजिट फ्लो होता, तब इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता, और फर्स्ट कंडक्टर सेकंड को जितने न्यूटन के फोर्स से रिपेल करता, सेकंड कंडक्टर भी फर्स्ट कंडक्टर को उतने ही न्यूटन के फोर्स से रिपेल करता। समझ में आ रहेगा? तो आज तो हम लोग दो टॉपिक को देख लिए, और अगला जो वीडियोज होगा उस पर कुछ क्वेश्चन मेरे को करना है जी, और FC वर्मा का ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 4-5-7 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और आज को थ्योरी को आज यहीं पर रोक देते हैं, जैसा हम बता रहे हैं कि अगले में तो अगले वीडियो में मेरे को कुछ जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराना है,
तब इसके बाद थ्योरी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो थ्योरी, फिर बीच में क्वेश्चन, फिर थ्योरी, कुछ क्वेश्चन, ऐसे करते हुए चलेंगे, धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो गाइज आज तो मेरे ख्याल से यहीं पर छोड़ देना चाहिए, बहुत लंबा भी हो गया है। तो मुलाकात करते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।